This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए, आज हम लोग एक नई वीडियो के साथ आ गए हैं। तो मैं आप लोगों को कुछ एक ऐसे बग के बारे में बताना चाहता हूं जो कि शायद ही आप लोगों ने पहले कभी इसके बारे में सुना होगा, या पहले आप कभी भी इसके बारे में किसी से भी आप लोगों ने इसके बारे में जाना होगा, या फिर किसी ने भी आपको बताया होगा। तो चलिए एक काम करते हैं, पहले हम लोग एक टेक्स्ट एडिटर खोल लेते हैं अपना, और फिर एक सेकेंड पिता की मैं एक बार आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ। चलिए मैं एक बार अपना जो टेक्स्ट एडिटर है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो मैं इसको आई थिंक शायद जूम कर सकता हूँ या नहीं, व्यू ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे हिसाब से आप लोग इसको देख पा रहे हैं जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। नहीं, थोड़ा सा आप लोगों को शायद, कोई बात नहीं, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक टर्मिनल के अंदर मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि कैसे मैं आपको एक सेकंड, अभी ठीक है, तो हम लोग टर्मिनल हमने ओपन कर लिया है। अभी एक सेकंड, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि ऐसा एक बग होता है। सो उस बग का नाम क्या है, ओवरली रिस्ट्रिक्टिव अकाउंट लॉकआउट। तो चलिए हम लोग इस बग के बारे में जान लेते हैं। मैं इसको थोड़ा सा वो कर देता हूँ, सेकंड, अभी आई थिंक आप लोगों को शो हो रहा होगा, तो ठीक है। तो चलिए, तो इस बग का नाम है ओवरले रिस्ट्रिक्टिव अकाउंट लॉक। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं इस बग के अंदर, मान के चलो एक यूजर है, यूजर वन है और फिर है यूजर टू। मैं काम करता हूँ टेस्ट, तो यहाँ पे है एक है यूजर वन, फिर है यूजर टू। तो अभी यूजर टू को हम इस टाइम पे हटा देते हैं। अभी क्या करते हैं, हम लोग मान के चलो वाईफाई के थ्रू एक यूजर वन है जो उसके लिए लॉगिन परफॉर्म कर रहे हैं, तो मान के चलो वो 50 या 100 में लॉकआउट हो गए। अभी ये जो चीज है ये अच्छी है कि ठीक है वो 50 अटेम्प्ट्स में लॉक हो गए, बट इस मान के चलो ऐसा हो कि हम लोग इसको क्या कर दे, वाईफाई की जगह हम लोग वाईफाई को हटा के और उसकी जगह पे करते हैं अपना फोन का हॉटस्पॉट। तो सोचो अभी क्या होना चाहिए, मान के चलो हमने वाईफाई कनेक्शन पे 50 अनसक्सेसफुल लॉगिन अटेम्प्ट्स तो कर लिए, बट जो हमारा यूजर वन जिसका यूजर नेम है यूजर वन, और उस पे हमने 5 रॉन्ग पासवर्ड की एक वर्ड लिस्ट से ब्रूट फोर्स किया, तो उससे क्या होगा कि वो अकाउंट लॉक होगा। अभी हमें जैसे ही वो एरर दिखता है कि योर अकाउंट हैज बीन लॉक्ड आउट, देन हमें क्या करना है, अपना जो इंटरनेट कनेक्शन है वो वाईफाई से मोबाइल हॉटस्पॉट पे चेंज कर दिया।
अभी हमने फिर से एक लॉग इन रिक्वेस्ट भेजी सेम यूजर को, जो कि है हमारा यूजर वन। अगर अभी भी जो लॉकआउट है वो फिर भी उस यूजर पे मतलब आपको शो हो रहा है इंटरनेट कनेक्शन चेंज करने के बाद, इसका मतलब है जो कि लॉकआउट पॉलिसी है वो सिर्फ और सिर्फ क्या कंसिडर कर रही है, हमारा यूजर नेम। वो हमारा यूजर नेम कंसिडर कर रही है हमें लॉक आउट करने के लिए, जो हमारे लॉग आउट अटेम्प्ट है उनको लॉक करने के लिए, वो मतलब उन लोग उनको बचाने के लिए वो हमारे यूजर को लॉक मतलब यूजर को रिस्ट्रिक्ट कर रही है लॉग इन करने से। ओके, अभी एक अटैकर क्या कर सकता है, वो बहुत ज्यादा इनफाइनाइट ब्रूट फोर्स अटैक्स परफॉर्म कर सकता है उस यूजर के लिए, उस साइट के। वो यूजर फिर कभी भी अपना जो एप्लीकेशन में लॉग इन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनके उस वेबसाइट के अंदर मिसकॉन्फ़िगर्ड लॉकआउट पॉलिसी है। तो अगर जो साइट है, साइट सपोर्ट जो होता है मतलब एक वेबसाइट का जो सपोर्ट सिस्टम होता है, वो भी उसको उस यूजर को अगर अनलॉक कर देगा तो भी वो जल्दी से जल्दी लॉक फिर से हो जाएगा। और क्योंकि जो अटैकर है वो ब्रूट फोर्स अटैक उसने परफॉर्म कर रखा है, मान के चलो मिलियंस ऑफ पासवर्ड ऐसा कुछ करके, तो वो यूजर कभी भी लॉग इन नहीं करते। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग एक बार थोड़ा सा समझते हैं। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, ओके हम लोग क्या करते हैं, ओके तो अभी हम लोग एक बार अपना जो है एक वेबसाइट देखते हैं, उस पर हम लोग ये ट्राई करेंगे। तो हम लोग फायरफॉक्स ओपन कर लेते हैं, और एक सेकेंड, तो हमने फायरफॉक्स तो अभी हमने फायरफॉक्स ओपन कर लिया। एक कोई भी वेबसाइट हम ट्राई करके देख लेते हैं, किसी भी वेबसाइट पे, जैसे कि हम लोगों के पास इन्फ्लेक्ट्रा के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, टर्न ऑफ कर देता हूँ अपना जो वो है, वेट अ मिनट, ओके तो हाँ अभी इन्फ्लेक्ट्रा, और इन्फ्लेक्ट्रा पे हमारा जो है ये है हमारा थिंक, हाँ ये है हमारी वेबसाइट। तो मैं एक बार बर्थ और ओपन कर लेता हूँ, लगभग यहाँ पे साइड में एक बार लगा देता हूँ, हमारा ओके अभी ठीक है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, चलिए अपना जो बर्थ है वो ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे लॉग इन पे चलते हैं। तो बर्थ ओपन हो गया, टारगेट में हमारा जो है इन्फ्लेक्ट्रा आ गया है, और यहाँ पे हम लोगों के पास ये वेबसाइट में है अटैकर। अभी हम लोग क्या करेंगे, लॉग इन करते हैं और इसको हम डाल देते हैं इंट्रूडर में,
और यहाँ पे इंट्रूडर में हमने क्या किया, आई थिंक ये है हमारा पासवर्ड, तो हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं पेलोड, और पेलोड करते हैं यहाँ पे पासवर्ड्स की 3000 समथिंग पासवर्ड्स है, और हम लोग यहाँ पे इसको ड्रॉप कर देते हैं इंटरसेप्ट ऑफ पे रिसेंट। तो अभी एक बार चेक करेंगे कि ये इंट्रूडर लॉग दे, तो मैं लॉग आउट कर देता हूँ फिर से, और हम लोग क्या करते हैं स्टार्ट अटैक। 200 इसका रिस्पांस है, व्हाट इज द कस्टमर एरिया विद, लेट अस चेक। Enter your password, forgot your password. Wait, मैं एक बार, first log in. मैं काम करता हूँ, इस बार करता हूँ वैसे तो, अभी हम लोग चलते हैं लॉग इन पे फिर से, हम लोग इसको लॉग इन, आई डोंट नो ये क्या हो रहा है, लेट अस टर्न ऑफ योर। तो अभी हमारे मेरे को जो लगता है हमने जो ब्रूट फोर्स किया है उसके थ्रू ही ये हो रहा है, तो चलो किसी और वेबसाइट पे एक बार ट्राई कर लेते हैं, मतलब चलो छोड़ो यार, वेबसाइट पे ट्राई करना ठीक नहीं है मेरे हिसाब से, हमें नहीं करना चाहिए बिकॉज ये थोड़ा सा रिस्की होगा किसी वेबसाइट को वो करना। सो आप लोग प्लीज इस बग को ट्राई करना, ये थोड़ा सा क्रेजी बग है, बहुत कम लोग इसको सर्च करते हैं, मतलब फाइंड करने की ट्राई करते हैं। सो आई थिंक दैट इज इट फॉर टुडे गाइज, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ अभी हम लोग, मैं ट्राई करूंगा कि हम लोग लाइव स्ट्रीम भी करें। सो अभी हम लोग लाइव स्ट्रीम करने लग जाएंगे थोड़े दिनों में, लाइव बग हंटिंग और भी चीज़ों के ऊपर, वैसे भी हम लोग नॉर्मली बातें भी करेंगे। सो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन भी दबा दें, ताकि आपको मैं आगे लाइव स्ट्रीम या कुछ भी करने वाला हूँ तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पहले से मिल जाए। सो दैट इज इट, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।